Hello and welcome to Entertainment ka Daily Dose. Brook Bond Red Level presents Entertainment ke liye. Kuch bhi karega. Super Muqabla, powered by OLX.in. तो इस हफ्ते के इस मैदान एंटरटेनमेंट में आमने सामने होंगे पिछले पांच सीजन के वो बेस्ट एंटरटेनर्स जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ने हर बार हमें भरपूर एंटरटेन किया और हर बार हमारा दिल धड़काया। यानी ये सुपर मुकाबला होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए। और हमारे इस आखिरी हफ्ते में वो फिर से वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं सिर्फ एक ही ख्वाब को पूरा करने के लिए, सिर्फ एक ही मंजिल को पाने के लिए, जिसका नाम है सुपर एंटरटेनर का खिताब। यानी हर बार की तरह यहाँ आज भी होगा द बेस्ट एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, तो सुपर एंटरटेनमेंट की सुपर शुरुआत की जाए हमारे सुपर कूल जजेस के साथ, क्वीन खान, फारा खान और आलम खाना अनुमान। एंटरटेनर बनने के बाद, सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करने के बाद, जो हमारे बेस्ट एंटरटेनर्स यहां आए हैं उनके साथ शुरू करते हैं बेस्ट एंटरटेनर की तलाश, यानी हमारा सुपर मुकाबला। धरती वासियों, अपना दिल थाम लो, क्योंकि अब यहां आ रही है सीजन वन की स्वर्ग की अप्सरा। अरे वो अप्सरा ऐसी नारी है जो सीजन वन में स्टार बनने के बाद यूके, कनाडा और पूरी दुनिया में 500 से भी ज्यादा शो करने के बाद आज वो महानारी फिर से यहां आ चुकी है। तो स्वागत कीजिए हमारी मुंबई की महानारी नारी सिंह का।
क्या बात है, बहुत बढ़िया. थैंक यू क्वीन खान. कैसी लगी ये धमाकेदार परफॉर्मेंस? मुझे तो नैरी की परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छी लगती है. सीजन वन में भी आए थे एंड यू आर डन अ कथक पीस आई थिंक नैरी दैट टाइम, मुझे अभी तक याद है. और आज तो तुमने मतलब मेनका का जो डांस किया है सुपर्ब. यू आर एक्सप्रेशन तुम्हारे एंड यू आर क्लासिकली ट्रेन्ड. नो नो, आई एम नॉट ट्रेन्ड डांसर बट इट्स माय हॉबी. लेकिन जिस हिसाब से तुम कर रहे थे स्पेशली ऑल दोस नी स्पिन्स एंड ऑल, हमें लगा कि तुम ट्रेनिंग लेकर आए हो. और श्री देवी जी की पूरी इंस्पिरेशन और झलक आपके एक्सप्रेशन में दिख रही थी. मेरी फेवरेट हीरोइन है. मुझे चांदनी का तांडव याद आ गया जो वो उन्होंने किया था. थैंक यू सो मच मैम. आप पहले भी हमारे सीजन में आए थे और आपने हल्ला मचाया था. आज सुपर मुकाबला में आप आए हो और आपने फिर बहुत अच्छा किया, तो इसके लिए मैं जोर से चाहता हूँ जनता ताली बजाए. थैंक यू सो मच. और सर बनता है नैरी के लिए, बनता नारी के लिए बनता है, नारी के लिए बनता है. ये एक्ट नहीं था कोई गिमिक. वाह, ये एक्ट नहीं था कोई गिमिक, ना ही था ये लक बाय चांस. वाह, कथक और बेली का फ्यूजन जो था इतना कमाल का था. अब ये फेमस होगा फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस. वाह, थैंक यू सो मच सर. तालियां बजाओ, तालियां बजाओ. ये बहुत मुश्किल एक्ट था. बहुत दिल से मैं आपकी तहे दिल से तारीफ करना चाहता हूँ. फैबुलस परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. नारी, जब आप पहले सीजन में आए थे तब कृष्णा नहीं था. अब कृष्णा को देखकर क्या लगता है आपको? कृष्णा का मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, बिकॉज मैं पहले ही बोला था छोटा मोटा होस्ट नहीं हूं. नहीं, बहुत बड़ा. कृष्णा जब एक हो जाए कोई एक सीन हो जाए, हम लोग डांस कर लेते हैं जितेंद्र श्रीदेवी. तारी, हमारी तरफ से 11,111 रुपए आपके लिए. थैंक यू मैम. थैंक यू. ये है हमारा आखिरी हफ्ता जिसमें पिछले सीजन के बेस्ट एंटरटेनर्स एक बार फिर से अपना जलवा बिखेर रहे हैं सुपर एंटरटेनर का खिताब पाने के लिए. ऑलराइट, नाउ एवरीबॉडी ध्यान दो, ध्यान दीजिए. मोना गाना गाएगी, प्लीज. Presenting हर सीजन में जीत की चाल लेकर यहाँ आने वाले एंटरटेनर मुंबई के प्रवीण एंड ग्रुप, और आज भी ये यहाँ जीतने के लिए ही आए हैं. जोरदार तालियां.
कैसा लगा जजेस आपको ये योगा? यार इतना अच्छा योगा अगर होगा जी तो फिर हमें भी करना पड़ेगा यार. क्या योगा? योगा. प्रवीण ग्रुप सुपर्ब योल्वा. आपका पूरा एक्ट योगा ही नहीं, आपका प्रेजेंटेशन, आपके कॉस्ट्यूम्स, आपका मेकअप, जियरो बोलते हैं इसको, जिस हिसाब से आप लोग ने ये माइम एक्ट का कॉस्ट्यूम लेकर योगा किया है, आई रियली लाइक द अमेलगमेशन. थैंक यू. वेल डन प्रवीण ग्रुप, सुपर्ब है. योगा ग्रुप, सबसे पहले तो मुझे बताओ ये जो गाना मैंने कभी सुना नहीं है, ये लिखा किसने? सर ने कंपोज किया है. और ये हाय सर, सर बताओ सर, ऐसा पहली बार हुआ है? अरे सर, ताली मिमोट ये गाना योगा के लिए उन लोग ने कंपोज किया. मगर ये प्रवीण जी आपने इतना प्यारा गाना बनाया और ये योगा, ये किसने बोला? कोरस कौन है योगा बोलने वाले? बस ये बच्चे ही है. अरे इतना सुर में क्या गाना भी गाते हैं, क्या बात. बहुत अच्छा गाया तुम लोग ने बच्चों, और जो तुमने परफॉर्म किया है कॉन्टोशंस इतने जबरदस्त थे. प्रवीण जी आपने जो सब मिला के बच्चों ने आज ये एक्ट किया है, ये जो माइमिंग हम सब एक्चुअली माइमिंग होने वाला है, उसके अंदर योगा जो आप लेके आए हो तो उस पर तो बनता है सर. क्या उस पर नहीं कृष्णा बोलो जी, आजकल सबको आता है गुस्सा और सबका दिमाग होता है गरम गरम. तुम्हारा एक्ट था ठंडा ठंडा, वेरी वेरी कूल कूल, ब्लड प्रेशर जैसे नीचे हो गया और नसें हो गई नरम नरम. तो योगा करते रहना भैया, कभी ना होगा रोगा अगर करते रहोगे योगा. एक रिक्वेस्ट है, तो योगा आने का दोनों आके हमारे से थोड़ा डांस करेंगे. कृष्णा करेगा बेटा, आज कृष्णा बहुत मूड में है. डांस के लिए मेरे को रखा है सब. चलो ना एक बार. अरे क्यों आज मैं बोल रही हूँ यार, ताली बजाओ, ऐसा कोई जज. आज आमना सामना होगा हमारे उन एंटरटेनर्स का जिन्होंने यहाँ आने के बाद सारी दुनिया में अपना और हमारे शो का नाम रोशन किया, यानी हमारा दिल चुराने वाला हर सीजन का बेस्ट एंटरटेनर. अगली कंटेस्टेंट हमारे सीजन 3 में फाइनलिस्ट बनी. फाइनलिस्ट ऑफ सीजन 3, हिम्मत और जज्बे की जीती जागती मूरत झारखंड की तानिया, और उनके साथ है उनके पति मुकेश. तानिया कैसी हो तुम? बहुत अच्छे. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के अपने पैरों पे खड़े होकर. लास्ट टाइम तुमने बहुत डरा दिया था हम सबको, अभी एकदम ठीक हो? जी मैम. हाँ डॉक्टर ने क्या बोला है? तो पहले मना कर रहे थे, मेरा मन है मैं करना चाहती हूँ. और मगर एकदम कर लोगी ना तानिया? जी, जी, वापस जी. हमें डराओगी तो नहीं, नहीं ना? मैम. आज क्या करने वाली हो? आज फिर एक्ट करने वाली हूँ फिर से. जी जो बाकी रह गया था मैंने फिनाले के लिए तैयार किया था वही करने वाली हूँ. थोड़ा बहुत मिला के दोनों साथ करेंगे. अच्छा मुकेश भी करेगा आज? अरे वेरी गुड. तानिया आज ऐसा परफॉर्मेंस करो
कि हम मिस नहीं करें कि तुम फिनाले में नहीं आई थी. जी मैम. ठीक है. जी जी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. तो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए.
मतलब आप एक बात याद है, जब अनु जी ने कहा था हॉस्पिटल में जब मैं थी तब, तुम ठीक हो जाओ और एक बार आओ, मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं ये शो पे आऊँ फिर एक बार, मेरा सपना था उस समय, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था और आज भी है। आज तो तुमने सपना मतलब कहाँ का कहाँ साकार कर दिया तानिया, आप लोग सच्ची एक ट्रू लाइफ इंस्पिरेशन हो सच में। अनु जी, तानिया कहाँ से शुरू करूँ मैं? एक्चुअली मेरा नाक बह रही है, मेरे आँख बह, मतलब मैं इतना रोया नहीं हूँ। यू हैव बिकम अ वेरी बिग इंस्पिरेशन जिंदगी। हम एक्ट की बात तो क्या करें, सबने देख लिया, आपने भी देख लिया है, सबने जनता ने देख लिया, फैंटास्टिक एक्ट था। और वैसे तो हम मस्ती वाली शायरी करते रहते हैं, लेकिन किसी ने अच्छा कहा है, फलक यानी कि आसमान, अगर फलक को बिजलियाँ गिराने की जिद है तो तानिया तुम्हें भी वहीं घर बनाने की जिद है। थैंक यू सर। हमारे 5 सीजन के अंदर जितने भी ए रिलैक्स करने वाले आए, यू आर द बेस्ट फ्रॉम ऑल द सीजंस। थैंक यू सर। हर सीजन से ज्यादा तुम सबसे बेस्ट। और ये सच है। अरे तुम गिरी कैसे थी, मुझे पूछना है तुमसे। यहाँ के लिए तैयारी कर रही थी मैम, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही थी, डेंजर कर रही थी मैं, जैसे पीछे में यहाँ आके गिर गई थी गले के बल। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं कर पाऊंगी, अब पैर हाथ एकदम कुछ पता ही नहीं चल रहा था मुझे, सिर्फ सर से पता चल रहा था कि हाँ मैं बात कर रही हूँ। मैंने उनका ऐसा बोल दिया, मुझे सुई मतलब इंजेक्शन दे के मुझे ख़त्म कर दो। इतना दर्द हुआ कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन तो उस दर्द को बर्दाश्त करके तुम फिर जिंदगी की राह पे चली हो। तानिया कितनी ताली बजाए, तुम्हें कितनी बार हम नमन करें, क्या बात है। ये तानिया का शगुन है यहाँ पे वापस आने के लिए, तो ये 11,111 आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसी बात याद आ गई, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था और मेरे घर जब भी मेहमान आते थे ना, तो मेरे डैडी जो थे वो मुझसे सब एक्टर्स की मिमिक। सभी के साथ होता था, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने अपने पापा की बात को इतना सीरियसली लिया कि वो यहां भी मिमिक्री करने चला आया है। सो प्रेजेंटिंग सीजन 4 के छोटे धमाके, मुंबई के आर्यन।
अच्छा अपना मास्क तो निकालो अपनी शक्ल तो दिखाओ हीरो भाई अरे हाँ चलो चलो क्या बात है भाई अभी ध्यान से देखना हाँ ध्यान से देखना वो तुम तो बहुत क्यूट हो यार बड़े होके और क्यूट क्यूट लग रहे हो यार तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक स्कूटी दी थी हाँ क्या किया उसका मैंने उसे संभाल के रखा है क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना इसके लिए मैंने वो चलाना छोड़ दिया और मेरे पापा ने भी नई साइकिल दे दी है लेकिन रखी है ना बेची तो नहीं ना हमारी नहीं, स्कूटी बेची तो नहीं, नहीं, रखी है ना वो बड़े प्यार से अनुजी और मैंने दी थी तुम्हें यार सारा एक्ट कैसा लगा आपको पूरा अरे एक्ट तो ये इतना क्यूट है दैट ऑब्वियसली एक्ट वॉज क्यूट ओनली मुझे लग रहा है तुम जैसे बड़े हो रहे हो तुम सलमान के फैन बहुत ज्यादा मतलब तगड़े हो गए हो एकदम लेकिन लास्ट टाइम तुमने सनी देओल की मिमिक्री की थी yes. तो अनु जी के कमेंट्स हो जाएंगे फिर मुझे सनी देओल की मिमिक्री दिखाओगे देओल की हाँ. पक्का ओके तुम चार साल पहले आए थे अभी आए तो डबल कॉन्फिडेंस लेके आए हो और तुम बहुत टैलेंटेड लड़के हो बहुत गुणी लड़के हो अभी फरा ने जो बोला सनी देओल की मिमिक्री करने वाले हो कि नहीं करो अभी सनी देओल की मिमिक्री के उल्टा ये जीत में ऐसा पहना था सनी देओल ने मुझे एक बात बताओ बड़े होके क्या बनना है क्या करना है बड़े होके टाइगर श्रॉफ की तरह बनना है टाइगर श्रॉफ वाह क्या बात है यार हाय हाय मैं नाल विसल बजा उसकी तरह तो वो गाना अगर बजाए तो नाचेगा अभी नाचूंगा चलो भाई गाना बजाओ उसके लिए आर्यन आपके साथ कौन आया डैडी आए हैं और उनके थोड़े दो फ्रेंड्स डैडी के दो फ्रेंड्स भी आए हैं हाँ अरे इनके डैडी के लिए जोरदार ताली हो जाए सो कंग्रेचुलेशंस आपका बेटा फुल ऑन हो गया है तो हम आर्यन के 11,111 आपको देने वाले हैं थैंक यू अभी कौन सा एंटरटेनर आने वाला है? अरे कोई कुत्ते की आवाज आ रही है। अरे गंगू? गंगमैन? ओह इतनी गंदी एक्टिंग करने में। सुनो सुनो गंगमैन क्या हुआ? किसी सांड से टकरा गया क्या? नहीं नहीं। फिर? क्या हुआ? कोई हाथी तुम्हारे ऊपर बैठ गया क्या? नहीं हाथी भी नहीं बेटा। क्या तेरे सर के ऊपर आईफिल टावर गिर गया? नहीं नहीं सर आईफिल टावर भी नहीं बेटा। अरे तो तुम्हारी हालत किसने की महावीर महाबलबीर? मुझे लड़कियों ने मारा है सर। लड़की ने कैसे मार दिया? बहुत मारा सर बहुत मारा। लड़की से मार खा क्या है अच्छी? अरे मर जा बता कौन है वो लड़कियां? मैं बात करता हूँ लड़की से कौन है? अरे कृष्णा एक मिनट ऐसा बिल्कुल मत करना यार वो लड़कियां बड़ी खतरनाक है। गोंगू तुम वापस अपने जगह में चले जाओ वो लड़कियां कराटे की क्वींस हैं क्वींस। ऐसा क्या क्या कर लेती हैं वो? अरे बड़ी खतरनाक लड़कियां हैं वो पहले भी आ चुकी हैं सीजन 3 की कराटे क्वींस हैं वो प्रेजेंटिंग महेश नवाले गर्ल्स ग्रुप फ्रॉम मुंबई।
तुम लोग तो बहुत तेज निकली यार गर्ल्स. हम लोग बेच जगह से कराटे ट्रेनिंग ले, हम लोग इससे डरते नहीं है. अरे तुम लोग तो नहीं डरते हो, ये तुमसे डरता है लेकिन. अरे मुझे बताओ, इधर देखो, कितने साल से तुम लोग कराटे सीख रहे हो? हम लोग 3-4 साल से कराटे ट्रेनिंग ले रहे हैं. हम लोग में ये सबसे छोटी है जो 3 साल से कराटे कर रही है. अरे बाप रे, तो इसका तो हाथ हथौड़ा होगा, मतलब अगर पड़ जाएगी तो देखो ना गोंगू की हालत क्या हो गई. तो आज नया क्या करोगे कराटे में? हम लोग मार्शल आर्ट्स का नया स्टंट सिखाने वाले हैं, आप वो देख के आप पूरा हैरान हो जाओगे. तो पर हम तो देखना चाहते हैं तुम्हारा नया एक्ट. एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए. मतलब लड़कियां, यू ऑल वर टू गुड यार. और वो कौन थी जिसने बर्फ अपने सर से तोड़ा? मेरे को लगा हाथ से तोड़ोगी, तू तो सीधा सर मारने लग गए यार. तू संभाल कृष्णा. बट गर्ल्स, तुम लोग इतनी छोटी उम्र में इतना डेयर डेविल के एक्ट्स कर रही हो, आई थिंक इट्स अमेजिंग. क्योंकि आज के दौर में हमारी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना बहुत जरूरी है. And I think y'all will be an inspiration to everybody to go and learn self-defense. So well done, girls. I'm very proud of y'all. Thank you, Mary. Amu ji, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. जब तुम लोग आए यहाँ, जो तुमने चीजें की हैं, flawless बोलते हैं ना, कोई गलती की नहीं. तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. वैसे भी हम कहते हैं कि औरत इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है. औरत से ताकतवर ज्यादा कोई नहीं है. औरत खाली अपने रूप में आ जाए, विराट रूप जो कहते हैं, जिस दिन विराट रूप औरत का आ जाए तो कुछ भी कर सकती है. और ये विराट रूप तुमने अपनी कला में दिखाया है. ये तुम्हारे गुरुजी का बहुत बड़ा कमाल का हाथ होगा इसमें. मैं बताना चाहता हूं, जिनकी निगाह मंजिल पे होती है, वाह, जिनकी निगाह मंजिल पे होती है, वह कांटों पे भी चलकर अपनी मंजिल को पा लेते हैं. वाह, तुमने कांटों पे चलकर अपनी मंजिल पाई है. इतना आसान नहीं है. तुम्हारे सर को मैं सलाम करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ. और तुम्हारे माँ बाप को भी सलाम प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने तुम्हें ये हौसला दिया है अच्छे काम करने का, सर, सीखने का. सर, प्लीज आइए. महेश जी आइए. महेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. महेश जी. महेश सर, आप लास्ट सीजन 3 में आए थे. Yes, और तभी आप कराटे सिखा रहे थे. अब भी आप कराटे ही सिखाते हैं कि कुछ और भी सिखाते हैं? मैडम, तभी भी मैं कराटे सिखाता था, सेल्फ डिफेंस सिखाता था जो, और अब भी कराटे सिखाता हूँ और आगे भी कराटे सिखाते ही रहूँगा, क्योंकि गर्ल्स सुरक्षित रहना चाहिए.
वैसे जजेस आपको एक बात बताएं, जब इनका एक्ट चल रहा था हम लोग फारा और मैं खासकर बहुत डर रहे थे, लेकिन ये सारी बच्चियों के पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, स्माइल कर कर के जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। आई थिंक पेरेंट्स का भी इनकरेजमेंट बहुत हेल्प करता है लड़कियों को ये सेल्फ डिफेंस क्लास के लिए। सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट महेश, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 11,111 रुपए सभी लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और अब जब आज की सभी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं उन सभी परफॉर्मेंसेस की एक झलक। इनमें से कौन बनेगा एंटरटेनर ऑफ द डे, जो बना रहेगा सुपर एंटरटेनर की दौड़ में? पहले तो मैं बोलूंगी वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑल, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को वापस यहाँ देखकर। हम सब आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं मिलकर। थैंक यू, सुपर। टू कम टू द एंटरटेनर ऑफ द डे, आई थिंक सारे एक्ट, सारे एंटरटेनर्स भी ये बात से सहमत होंगे कि आज एक हमने बहुत ही नॉट ओनली अ माइंड ब्लोइंग एक्ट, लेकिन एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और इमोशनल एक्ट देखा। एंड एंटरटेनर ऑफ द डे इज नन अदर देन तान्या एंड मुकेश। तान्या और मुकेश, आप हैं आज के एंटरटेनर ऑफ द डे। आपको मिलते हैं पूरे 51,111 रुपए, और ग्रैंड गुरुवार एपिसोड में सुपर एंटरटेनर बनकर 2,00,000 रुपए जीतने का मौका। ऑल द बेस्ट। सो इसी के साथ हमारे आखिरी हफ्ते का ये एपिसोड भी खत्म हुआ, लेकिन सुपर एंटरटेनर की खोज अभी बाकी है मेरे दो। तो कल फिर देखते हैं एक और सुपर मुकाबला हमारे चहीते एंटरटेनर्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।